तो गाइस सभी रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है, और वो है तेरी तेरी ई एफ इज वॉबल, तेरी ई एफ इज वॉबल। अब देखिए इधर के जितने भी टर्म्स हैं ठीक वो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स हैं ठीक, और इधर के जितने टर्म्स हैं वो रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज हैं। अब देखिए जब हम रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स को आपस में ऐड करते हैं ठीक, आपस में ऐड करते हैं तो हमको रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज की वैल्यू मिलती है ठीक। सो अगर हम रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स को याद रख लें, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स के वैल्यू को याद रख लें सो आसानी से हम जो रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज होते हैं उनको आराम से हम निकाल सकते हैं ठीक। सो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि जो टी यहाँ पे है वो टाइडल वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, ई है यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आर है रेसिडुअल वॉल्यूम एंड आई है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ई है यहाँ पे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एफ है यहाँ पे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, आई है यहाँ पे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड वी है यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी ठीक। सो देखिए टाइडल बलून की वैल्यू होती है 500, तो इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत ही इवन और बहुत सिंपल सा नंबर है ठीक। टाइडल बलून की वैल्यू होती है 500 ml, ये सब वैल्यू ml में होती है ठीक। अब बात करें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, सो इसका दो गुना कर देंगे, इसका दो गुना हम लोग कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि 1000 से 1100 जो होता है ml वो होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू हम उठाएंगे 1100, तो 1100 से 1200 जो होता है वो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम ठीक। अब बचता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू होती है 2500 to 3000 ठीक, 2500 to 3000। नहीं देखिए बहुत ही सिंपल है ठीक, पहला जो है वो 500, फिर आप दो गुना करिए यहाँ 1000 से 1100 हो जाएगा, फिर ये वैल्यू उठाइए 1100 से 1200 हो जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम, और ये हो जाएगा 2500 से 3000 हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब अगर हम टी एंड ई को ऐड करेंगे तो हमको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगा ठीक, टी एंड ई को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब आप बताइए नेक्स्ट अगर हम लोग टी एंड आई को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सिंपल सी बात है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलेगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलेगी, क्योंकि टी और ई को हम लोग ऐड कर रहे थे तो एक्सपायरेटरी मिल रही थी, तो टी और आई को ऐड करेंगे तो आई मिलेगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलेगा, टी और ई को ऐड कर रहे थे तो ई मिल रहा था यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मिल रहा था, तो टी एंड आई को ऐड करेंगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलेगा। एक और टर्म आपको याद रखना है और वो है टोटल लंग कैपेसिटी ठीक, टोटल लंग कैपेसिटी। सो देखिए अब टोटल लंग कैपेसिटी कब हमको मिलता है, तो टोटल लंग कैपेसिटी जब हम इन चारों को ऐड कर देंगे, इन चारों वॉल्यूम्स को जब हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। सो देखिए कितना सिंपल है, जब हम लोग इन चारों वॉल्यूम्स को ऐड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। एक और टर्म बच जाता है गाइस, वो है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू को कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, सिंपली आपको याद रखना है वेटी, वाइटल कैपेसिटी को याद रखने के लिए सिंपली आपको याद रखना है वेटी। तो देखिए वेटी की स्पेलिंग यहाँ पे क्या है, वी है, वी ई टी आई वेटी ठीक, तो वी से हम लोग याद रखेंगे वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी कब हमको मिलेगी, जब हम ई को ऐड करेंगे, टी को ऐड करेंगे एंड आई को ऐड करेंगे ठीक, ई को ऐड करेंगे, टी को ऐड करेंगे, आई को ऐड करेंगे, तो हमको मिलेगा वाइटल कैपेसिटी की।